नाखून में पीप पड़ जाती है और मैंने देखे हैं ऐसे मरीज, उनके पूरे का पूरा नाखून उखड़ जाता है, फिर नया उगता, फिर वो भी इसी तरह हो जाता है। उसकी मुस्तकिल शफा का, शफा की दवा ये हेपर सल्फ है। और अगर उसमें स्याही हो और खतरनाक किस्म की, उसमें उसकी सूरत में ना रंग गहरे और उसके हुलिया बिगड़ा, नाखून का ऐसा हुलिया बिगड़ा हो कि मालूम हो कि कोई गहरी बात है, उसमें सोराइनम ज़रूरी है। पहले सोराइनम देनी चाहिए, फिर दूसरी दवाएं देखनी चाहिए। एंटीमोनियम क्रूड में भी नाखून के बिगाड़ का जिक्र मिलता है, मगर जो नाखून की खराबियां वो अक्सर गहरी बीमारियों की निशानदेही करती हैं। इसलिए मेरा अपना तरीका यही रहा है कि पहले सोराइनम देता हूँ, क्योंकि सोराइनम इसमें बहुत गहरा असर रखती है, फिर ये दवाएं जो हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करती हैं उसके असर के नीचे।